व्याख्यान दस लेक्चर नंबर टेन अभी तक हमने पूरा ध्यान दिया है विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस पर हमने पूरा ध्यान उसके गणितीय परिभाषा उसका मतलब क्या होता है उसका अर्थ क्या होता है यह निकालने पर दिया और अंत में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी निकाला और उसके हमने कुछ उदाहरण सॉल्व करें अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर फील्ड को पूरी तरह से जानने के लिए उसकी डाइवर्जेंस और कर्ल यानी कि विचलन और घुमाव दोनों का ज्ञान आवश्यक है तो अब हम इस कल को या घुमाव को परिभाषित करेंगे उसकी गणितीय परिभाषा देंगे और जानेंगे कि कर्ल ऑफ ई क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है तो घुमाव या कल की परिभाषा हम देना चाहेंगे लेकिन इसके लिए हमें घुमाव की दिशा और इससे संबंधित क्षेत्रफल की दिशा के लिए एक परिपाटी बनानी होगी क्योंकि ये सदिश राशियां हैं और उनको पता होना चाहिए कि इनकी दिशा हम कैसे निर्धारण करेंगे यह उसी प्रकार है के अनुसार ऐसी परपाटी है जिसके अनुसार हम x अक्ष पर दाहिनी ओर की दिशा को धनात्मक और बायोर और की दिशा को ऋणात्मक या नेगेटिव लेते हैं इसका कोई नियम नहीं है ये एक हमने परिपाटी बनाई है जिससे हम सब लोग समझ सकें कि क्या हमारा धनात्मक दिशा है क्या ऋणात्मक दिशा है और जब हम ऐसा करते हैं तो उसी परिपाटी को हम मानते हुए सब कुछ लिखते हैं तो इसी प्रकार हमें अब घुमाव की दिशा की सर्वमान्य सब, सब लोग मानते हैं उस परिपाटी को परिपाटी बनानी होगी और अब हम इस परिपाटी को इसकी चर्चा करते हैं यह पहला कदम होगा सीखने के लिए क्योंकि इस परिपाटी के बिना फिर हम नहीं तो सब कुछ गड़बड़ करने लग जाएंगे तो पहले हम लिखते हैं घुमाव की दिशा निर्धारण के लिए बनाई गई परिपाटी या प्रथा या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशन यह हमें एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो अब आप अगर देखें कि घुमाओ दो तरीके से हो सकता है अगर आप ऊपर से देखें तो घुमाओ या तो वामावर्त हो सकता है या दक्षिणावर्त हो सकता है तो इसको मैं लिखता हूँ यह है काउंटर क्लॉकवाइज या इसको हम बोलेंगे वामावर्त और जो नीली नीले का रंग में मैंने लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त तो नीला वाला रंग ऐसा नी, नीले रंग का बनाया हुआ घुमाव ऐसा है कि यह घड़ियों की सुइयों की दिशा में है और काउंटर क्लॉकवाइज या वामावर्त ऐसा है कि यह घड़ियों की सुई की दिशा के विपरीत है इसको हम घुमाव की दिशा का धनात्मक दिशा मानते हैं और नीले रंग को हम ऋणात्मक दिशा मानते हैं तो जब भी हम कोई दिशा वामावर्त देखेंगे उसको हम धनात्मक घुमाव की दिशा बोलेंगे और क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त को घुमाव की आ, नेगेटिव ऋणात्मक दिशा बोलेंगे तो इसको हम लिख भी देते हैं मर्थ या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाव की दिशा धनात्मक ली जाती है फिर से ये एक हमने कन्वेंशन या प्रथा बना ली जिस तरीके से दाई ओर जाने वाले एक्स को हम प्लस और बाई वाले एक्स को माइनस मानते हैं ऐसे ही हमने एक ये परिपाटी बनाई है इसमें कोई नियम नहीं है और दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज उमाओं की दिशा को हम ऋणात्मक लेते हैं तो यह तो घुमाव की दिशा हुई अब जब भी आप कुछ घुमाव करेंगे या कोई एक वक्र लेंगे बंद वक्र एक बंद वक्र किसी क्षेत्र को घेरता है तो अब हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे कि इस क्षेत्रफल की हम क्या दिशा लें तो इसके लिए भी एक हम प्रथा बनाना चाहते हैं तो एक बंद वक द्वारा घेरे हुए क्षेत्रफल की दिशा के लिए परिपाटी प्रथा जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे कन्वेंशन आपको यह करने से पहले ध्यान दिला दूं कि जब हमने डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करी थी उस समय भी हमने एक प्रथा बनाई थी यह क्षेत्रफल के लिए तो ध्यान आकर्षण पिछले जो हमने करा था डाइवर्जेंस परिभाषित करते समय भी हमने डी एस के लिए एक परिपाटी निर्धारित करी थी क्योंकि हम उस टाइम हमारी रुचिकिस्म थी उस टाइम हमारा किस और ध्यान था कि बाहर की ओर कितना पानी निकल रहा है बाहर की ओर कितनी रेखाएं आ रही हैं, तो उसके लिए हमने परिपाटी क्या ली थी वो थी कि किस सतह के ये कि कि किसी भी बिंदु पर डीएस की दिशा खंड से बाहर की ओर ली गई थी इसमें भी कोई नियम नहीं है हमने इसलिए ली थी क्योंकि हम बाहर की ओर जाने वाले द्रव के मान के लिए उस पर हम ध्यान देना चाहते थे तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि अब मान लीजिए कि कोई एक वक्र है तो फिर से हम आते हैं कि वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की दिशा की परिपाटी और इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि वक्र की कोई दिशा दी हुई है तो हम दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए अपनी उंगलियों को उस दिशा में घुमाएंगे और तब हमारे जो अंगूठे की दिशा है उसको हम मानेंगे कि वह क्षेत्रफल की दिशा है तो इसके लिए हम इसको कह सकते हैं दाहिने हाथ का नियम और इसके हिसाब से यदि यदि घुमाव की दिशा में हम धाइने हाथ की उंगलियों को घुमाए तो इस हाथ के अंगूठे ओर क्षेत्रफल की और दिशा ली जाएगी हम परिपाटी कर रहे हैं तो जैसा कि इस वक्र में मैंने दिखाया बाई ओर बने हुए इस पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बाहर की ओर आती हुई हो इसी प्रकार यदि मैं एक दक्षिणावर्त घुमाव का वक्र लो तो इस पर क्षेत्रफल की दिशा अंदर की ओर होगी तो इसको हम लिख देते हैं एस एस तो ये एक बार हमने ये परिपाटी बना ली है उसका निर्धारण कर लिया है तो अब हम कर्ल और घुमाव की परिभाषा या घुमाव की परिभाषा देने के लिए तैयार हैं तो कर्ल या घुमाव की परिभाषा हम इस परिपाटी को मानते हुए देते हैं तो इसको परिभाषित करने के लिए मान लीजिए हम एक बिंदु x, y, z पर कर निकालना चाहते हैं तो इसके चारों ओर एक बंद वक्र बनाइए क्योंकि हम एक्स वाई जेड बिंदु पर ध्यान देना चाहते हैं तो ये बंद वक्र अति सूक्ष्म होना चाहिए तो दिए हुए बिंदु के चारों ओर एक अति सूक्ष्म सिमल वक्र बनाए चूंकि अति सूक्ष्म है तो इसको हम एक ही सतह मान सकते हैं और इस वक्र पर दिए हुए वेक्टर फील्ड के लिए तो ये वेक्टर फील्ड को हम मान लेते हैं ए डॉट डेल्टा एल गणना करें इसको मैं आपको अच्छे के तरीके से समझाने के लिए फिर से ये वक्र बना लेता हूं और हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है ये वेक्टर फील्ड है तो मैं इस वक्र पर छोटे छोटे रेखीय खंड लूंगा और हर एक का मान कुछ डेल्टा एल है और हर बिंदु पर मैं एट डॉट डेल्टा एल ये निकालूंगा और पूरे वक्र के ऊपर इसको जोड़ दूं तो इसको हम कहेंगे रेखीय समाकलन लेनियर इंटीग्रल और इसको दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का इस बंद गोले का मतलब है पूरे के पूरे बंद वक्र के ऊपर है और सी का मतलब कर्फ सी पर है इसको ए डॉट डी एल लिख देते हैं जबकि हम लिमिट डेल्टा एल बराबर जीरो लेते हैं तो इस हो जाते तो ये हम निकालेंगे और अब मैं बाई और लिखता हूँ कि यदि ए डॉट डी एल ज़ीरो से बड़ा हो तो curl ए का मान भी ज़ीरो से बड़ा मानेंगे और यदि ये शून्य से कम हो तो कर्ल का मान भी शून्य से कम मानेंगे और यदि ये शून्य हो तो कर्ल ए भी शून्य माना जाएगा तो अगर घुमाव हो रहा है तो घूमते हुए इस ओर होना चाहिए कि पूरे वक्र के ऊपर इसका इंटीग्रल या इसका समाकलन शून्य ना हो मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है इसको मैं एक अलग रंग से दिखाना चाहूँगा पीले रंग से दिखा रहा हूँ ये कहीं पर ओर जा रहा है और कहीं पर उल्टा जा रहा है कहीं पर ओर जा, जा रहा है कहीं पर उल्टा जा रहा है तो इसका जो कुल घुमाव है शून्य होगा यदि इस, इसका जो है इंटीग्रल जीरो आता है तो ये गणितीय रूप से एक पूरी तरह से एक निर्धारण करना है कि यदि पूरा घुमाव है तो इस बंद वक्र के ऊपर जो इंटीग्रल है वो शून्य नहीं होना चाहिए और फिर से आप ध्यान दें कि मैं डेल्टा एल की दिशा वामावर्त वर्थ ली गई है तो मैं ये परिपाटी के हिसाब से चल रहा हूँ कि मैं इस वक्र पर वामावर्त जाऊँगा वो मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन या धनात्मक दिशा है तो ये जानना बहुत ज़रूरी था ये परिपाटी जो है बनाना बहुत आवश्यक था तो फिर से ये ध्यान दें कि इस ओर भी मैंने वही करा है तो किसी वक्र पर मैं धनात्मक दिशा पर घूमते हुए बंद वक्र पर चलूं और अगर लाइन इंटीग्रल शून्य ना हो तो कर्ल शून्य नहीं होगा अगर लाइन इंटीग्रल शून्य है तो कर्ल शून्य होगा और कर्ल की दिशा उसी हिसाब से ली जाएगी जितना कि उस लाइन इंटीग्रल का मान है अगर वो शून्य से बड़ा है तो कर्ल का मान धनात्मक होगा और वह शून्य से कम है तो कर्ल का मान ऋणात्मक होगा अब हम बिल्कुल डाइवर्जेंस की तरह इसको निकालने के लिए एक छोटे से आयताकार सतह को लेंगे और इसको गणितीय सूत्र के हिसाब से व्यक्त करेंगे तो यदि मैं एक पॉइंट अब मैं लेता हूँ क्योंकि कल एक सदिश राशि है तो इसके लिए मैं तीन दिशाओं में इसका घटक निकालने होंगे तो पहले मैं एक वक्र लेता हूँ आयताकार एक्स वाई सतह पर और आप देखेंगे यह कर्ल ए का z घटक देगा तो हम एक्स वाई बिंदु पर इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं पर कर्ल का मान निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए का हमको जो लाइन इंटीग्रल है वो इस सूक्ष्म आयत पर धनात्मक दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए निकालना है तो हमारा उद्देश्य क्या है ए डॉट डी एल इंटीग्रल निकालना तो दाई और अब इसको मैं अलग अलग भाग में बांट लूंगा इसका एक भुजा है एक दो तीन चार और पहले मैं निकालूंगा ए डॉट डी एल एक पर ए डॉट डी एल दो पर ए डॉट डी एल तीन पर ए डॉट डी एल चौथी भुजा पर और इन सबको जोड़ लूँगा तो ए डॉट डी एल अगर हम एक पर निकालें तो आप देखेंगे हर बिंदु पर हम इसको निकालना चाहेंगे और हर बिंदु के करस्पॉन्डिंग एक बिंदु तीन पर है तो ए डॉट डी एल एक पर जो है वो ए का मान हम दिशा भी निर्धारण कर लेते हैं इस ओर एक्स है इस ओर वाई है तो ये ए के एक्स घटक का मान गुणा इस अति सूक्ष्म आयत का आकार है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो इसका मान हो जाएगा ए एक्स और ए एक्स का मान हम कहाँ पर निकाल रहे हैं इसको हम निकाल रहे हैं एक्स और वाई माइनस डेल्टा वाई बटा दो पर उड़ा डेल्टा एक्स और इसी से संबंधित जो दूसरा इंटीग्रल है वो है ए डी एल थ्री तो उसको मैं पहले लिखूँगा इसको मैं दूसरे रंग में लिख देता हूँ ये होगा एक्स का मान एक्स पर वाई प्लस डेल्टा वाई बटे दो पर डेल्टा एक्स तो आप देखिए हर एक्स पर मैं निकाल रहा हूं तो उसका डेल्टा एक्स लेने की मेरे कोई आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार नंबर दो पर मुझे मिलेगा ए वाई का मान और ये कहाँ पर है यह एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे दो पर और हर वाई पर यह मिलेगा डेल्टा वाई और इसी प्रकार चार पर यह हो जाएगा ए वाई एक्स माइनस डेल्टा एक्स बटा दो वाई डेल्टा वाई अभी तक मैंने चिन्हों का कोई ध्यान नहीं दिया है तो आप ये देखिए वन पर मैं दाई ओर जा रहा हूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसका मान तो धनात्मक होगा तीन पर मैं नेगेटिव या ऋणात्मक एक्स दिशा में जा रहा हूं तो इसका मान ऋणात्मक होगा इसी प्रकार दो पर मैं प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसका मान पॉजिटिव होगा और चार पर मैं उल्टी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं इसका मान नेगेटिव अब इन सबको आप जोड़िए टेलर एक्सपेंशन कर तो यहां पर लिखते हैं टेलर श्रेणी का प्रयोग कर ए एक्स एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा ए एक्स एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई बटा दो है एक्स का वाई के हिसाब से आंशिक अवकलन और इसी प्रकार ए वाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई टू वाई का मान हो जाएगा ए वाई एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई टू ए वाई बटा ए एक्स अब इसको आप प्रयोग में लाएं और इन सबको जोड़ें तो आपका इसमें जो उत्तर आएगा वो होगा इंटीग्रल ए डॉट डी एल इस अति सूक्ष्म आयत के चारों ओर बराबर डेल्टा a y बटर डेल्टा x माइनस डेल्टा x बटर डेल्टा y डेल्टा x डेल्टा y ये आप इसको आसानी से देख सकते हैं तो हमने क्या निकाला कि अगर मैं एक अति सूक्ष्म आयत लूँ एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई सतह पर और इसमें दक्षिण दिशा में चलते हुए ए डॉट डी एल इसका मान आता है डेल्टा ए वाई बेटा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स बेटा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और अब जो मैंने परिपाटी बनाई थी क्षेत्रफल के लिए उसको प्रयोग में लाते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा ए वाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स डेल्टा वाई जेड यूनिट वेक्टर गुणा डेल्टा एस जेड जहाँ की डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है और इसकी दिशा चूंकि मैं दाएं हाथ के नियम से अगर जाऊं तो इसकी दिशा z डायरेक्शन में आती है z दिशा में आती है तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से डेल्टा ए वाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स डेल्टा वाई जेड डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एस तो अब आप ये देखिए कि यदि ए डॉट डी एल शून्य से बड़ा हो तो दाएं ओर भी शून्य से बड़ी होगी और डेल्टा एस का मान हमेशा धनात्मक है तो डेल्टा ए वाई डेल्टा ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स डेल्टा, डेल्टा वाई जेड इसका मान भी धनात्मक होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार से यदि ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यह है कर्ल की परिभाषा के रूप में हम लेते हैं और ये क्या है ये है कर्ल ए का जेड घटक इसी प्रकार आप वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में उनकी सतहों पर छोटे छोटे अति सूक्ष्म आयत को लेकर दिखा सकते हैं जो x घटक होगा इसका कर्ल का वो होगा पार्शल ए जेड पार्शल y माइनस पार्शल ए वाई पार्शल जेड और इसका y घटक होगा पार्शल ए एक्स पार्शल z माइनस पार्शल ए एड पार्शल तो तीनों घटक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो हमने क्या देखा कि कल ए का एक्स घटक है पार्शियल ए जेड पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए वाई पार्शियल जेड इसका वाई घटक है पार्शल एक्स पार्शल जेड माइनस पार्शल ए जेड पार्शल एक्स और इसका जेड घटक है जिसको मैं बहुत जिसको मैं समझाने के लिए पूरी तरह से निकाला वो है पार्शल ए वाई पार्शल एक्स माइनस पार्शल ए एक्स पार्शल वाई अब इसको हम बड़े संक्षिप्त रूप में वो जो डेल ऑपरेटर था उसको प्रयोग में लाते हुए लिख सकते हैं तो अगर आप ये निकालें ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालें इसका मतलब होगा आई जे के पार्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड तो यह कर्ल ए देता है तो फिर से पहले से हम संबंध बनाते हुए लिखते हैं कि डाइवर्जेंस तो ये डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन है और कर्ल ये वेक्टर प्रोडक्ट की तरह दिखता है लेकिन ये जो डेल है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये अवकलन ऑपरेटर है तो इसको ऑपरेटर के रूप में सोचिए इसको गुणा के रूप में मत सोचिए लेकिन ये इस तरीके से निकाले जा सकते हैं तो यह है एक सदिश राशि है ये एक अदिश राशि तो अभी हमने एक बिंदु पर अति सूक्ष्म आयत को लेकर हमने कर्ल निकाला इसको प्रयोग में लाते हुए अब हम स्टोक्स थ्योरम बताते हैं तो कर्ल के लिए स्टोक्स प्रमेय और यह आपको बता दूं कि यह डाइवर्जेंस प्रमेय की ही हैं लेकिन डाइवर्जेंस प्रमेय में हमने एक वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को उसका संबंध निकाला था यहाँ पर हम एक लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का प्रयोग लाएंगे प्रमेय आपको अभी लिख देता हूँ और इसका अर्थ और इसका प्रयोग हम अगले व्याख्यान में करेंगे तो स्टोक्स का के अनुसार यदि किसी किसी बंद वक्त जिसको हम कहेंगे क्लोज कर्व पर हम लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल निकालें तो इसका मान वक्र द्वारा राबंदित क्षेत्र के ऊपर कर्ल ऑफ ए के सतही समाकलन यानी कि कर्ल ऑफ ए के सरफेस इंटीग्रल ये बराबर होता है और इसमें हम दिशाओं का वैसे ही प्रयोग मिलाते हैं जो कि हमने परिपाटी बनाई हुई है तो मान लीजिए एक हमने बंद वक्र लिया या क्लोज कर्व लिया और उस पर हम वामावर्त दिशा में चलते हैं और उस पर हम ये ए डॉट डी निकालते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि इसका मान होगा कर्ल ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट डी एस इस पूरे सरफेस के इस पूरी सतह के अंदर इसका मतलब यह होगा कि हम इस वक़्र के अंदर इसके घेराबंदित क्षेत्र पर छोटे छोटे क्षेत्रफल लेते हैं जिसको हम डी एस से लिखते हैं और इसका उस दिशा पर पार्टी के अनुसार यहाँ पर ऊपर की ओर होगी बाहर निकलती हुई होगी उस तरीके से हम ये कर्ल ऑफ ए निकालते हैं मान लीजिए हम एक दूसरा वक़्र लें जिस पर कि हम ये लाइन इंटीग्रल दक्षिणावर्त जाते हुए निकाल रहे हैं तो मान लीजिए हम ए डॉट डी एल जाते हुए निकाल रहे हैं तब भी इस प्रमेय के हिसाब से इसका मान कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस ही होगा लेकिन इस समय जो हम छोटे छोटे क्षेत्रफल लेंगे डी एस उनकी दिशा अंदर की हो जाती हुई होगी यह परिपाटी हमने पहले से ही निर्धारित कर ली है तो यह स्टोक्स का प्रमेय है स्टोक्स थ्योरम है इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ यह है स्टोक्स और इसमें यह कॉमा अपोस्ट्रॉफी एस के बाद आता है कि उनका नाम ही स्टोक्स है स्टोक्स थ्योरम और इसकी व्याख्या और इसको व्यापक रूप से हम अगले व्याख्यान में निकालेंगे धन्यवाद